लास्ट क्लास में इसका मतलब, लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका स्ट्रक्चर, ईआर का स्ट्रक्चर, राइट। हम लोगों ने देखा था ईआर जो है वो किसके साथ एसोसिएट है, इट इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। और ईआर जो है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टुडे वी विल हैव टू स्टडी अबाउट, हम लोग को पढ़ना है अबाउट द फंक्शंस ऑफ ईआर, राइट। ईआर के फंक्शंस क्या क्या है वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला चीज हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे, लाइक इन दिस थिंग, हम लोग अगर देखते हैं कि हम लोग के पास क्या है, वी हैव द, सपोज वी हैव द न्यूक्लियस, राइट। सो हम लोग के पास एक सेल है और यहाँ पे हम लोग के पास द न्यूक्लियस है, एंड देन हम लोग को पता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस तरह से इट इज वो एसोसिएटेड है, राइट। इस तरह से वो जुड़ा हुआ है वो हम लोगों को पता है, राइट। सो इस तरह से वो जुड़ा हुआ है, देन उसके पास बहुत सारे सिस्टर्नी है, राइट। सिर्फ एक सिस्टर्नी नहीं है, उसके पास बहुत सारे सिस्टर्नी इस तरह से हो सकते हैं। सो यू कैन सी हियर, लाइक इस तरह से बहुत सारे सिस्टर्नी उसके पास प्रेजेंट हो सकते हैं। सो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या है, डायरेक्टली न्यूक्लियस से एसोसिएटेड है। हम लोगों को पता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसका क्या है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो टाइप्स में डिवाइडेड है बेसिकली, वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ ये क्या है, दो टाइप्स में डिवाइडेड है। सो हम लोग लास्ट क्लास को थोड़ा सा अगर रिविजन कर लेंगे, विल गो थ्रू दैट, अगर हम लोग लास्ट क्लास को थोड़ा सा भी देख लेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हिच आर कॉल्ड एज सैक्स, राइट। जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सैक्स बोल रहे हैं, राइट, या फिर उसको हम लोग वेसिकल्स भी बोल सकते हैं। सो दीज आर मेड अप ऑफ व्हाट, सिस्टर्ने, वेसिकल्स और सैक्स से वो बने हुए हैं, राइट। ट्यूब्स को हम लोग बोल रहे हैं सिस्टर्ने, और बाकी जो राउंड शेप स्ट्रक्चर है उनको हम लोग वेसिकल्स बोलते हैं, राइट, जो ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली मदद करते हैं। सो इस तरह से वो बना हुआ होता है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, सो इट इज दो टाइप्स में डिवाइडेड था, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इट इज एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स, राइट। जो राइबोसोम्स के साथ एसोसिएटेड होंगे उसको रफ बोलेंगे, और जो राइबोसोम्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे उसको हम लोग बोलेंगे स्मूथ, राइट। सो फंक्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो बेसिक पहले स्मूथ का हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। स्मूथ जो राइबोसोम्स होते हैं, सॉरी, स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है। दिस इज व्हाट द मेन डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, एंड दैट्स व्हाई उसका सरफेस जो है वो स्मूथ होता है, राइट। सो इसका जो बेसिक फंक्शन है, दैट इज मेन जो फंक्शन है, दैट इज essential lipids, it synthesizes essential lipids, okay, everyone please mute yourself, आप अभिषेक आनंद प्लीज म्यूट करके रखो अपने आपको, and then whenever you want to speak you can raise your hand so that classes will not get disturbed, right? So and then don't speak, अगर आप लोग कुछ पूछना है, if you want to doubt, clarify any doubt, ठीक है, आप hand raise कीजिए and I will ask you to unmute and then you can speak, ठीक है, आप लोग बात कर सकते हैं। Anyways, so हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, and then also you can use the chat box at any time, आप chat box का use तो कर ही सकते हो, right? So यहाँ पे क्या है, so main function है यहाँ पे essential lipids का, वहाँ पे synthesis होता है, ठीक है, they synthesize essential lipids, जो भी fats का यहाँ पे जरूरत होता है, and that's okay, no problem, okay. So जो भी यहाँ पे क्या होता है, जो भी fats, जो भी lipids का हम लोग को जरूरत होता है, ठीक है, हम लोग के body को, right, essentially जो भी essential है, right, all these are हम लोग को वो सब कहाँ से मिलेगा, we will get it from the ER, उसको क्या करेंगे, ER will synthesize those, ER यहाँ पे synthesize करेगा, right. The smooth ER is also responsible for, वहां पे क्या production के लिए जरूरत होता है, also responsible for certain hormones, like steroid hormone is one, right? तो वहां से hormones भी कुछ कुछ secret होता है, not only कि smooth ear सिर्फ lipids का ही synthesis करते हैं, but they also produce certain hormones, like steroid hormones, right? उसके बाद सबसे और एक important जो चीज है वहां पे smooth ear का, that is detoxification. Detoxification मतलब क्या करना है, this means purification, right? Detoxification का मतलब क्या है, purification, right? So poisonous, जो poisonous substances या फिर जो drugs होते हैं, right? So they वहां पे वो क्या होते हैं, they can detoxify,
ये लोग क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे डिटॉक्सिफाइड इट, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करते हैं उसको, दैट इज व्हाट डिटॉक्सिफिकेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। सो यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम आता है, प्यूरिफिकेशन का भी काम आता है, मतलब जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है दे प्यूरिफाई, ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंस को प्यूरिफाई करते हैं। उसके बाद और एक जो फंक्शन है दैट इज स्मूथ हेयर स्टोर एंड रिलीज, कैल्शियम जो होते हैं कैल्शियम आयन्स वो यहाँ पे क्या कहते हैं, दे स्टोर एंड दे ऑल्सो रिलीज कैल्शियम आयन्स, ठीक है, जो कैल्शियम आयन्स यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, दिस कैल्शियम आयन्स दे स्टोर एंड दे रिलीज दिस कैल्शियम आयन्स, ठीक है, जो कैल्शियम आयन्स होते हैं वो इसको स्टोर करते हैं, मतलब दे स्टोर कैल्शियम, राइट, वो कैल्शियम को भी स्टोर करके रखते हैं कैल्शियम आयन्स। दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्वस सिस्टम एज वेल एज मस्कुलर सिस्टम। सो ये जो कैल्शियम आयन्स होते हैं वो क्या होता है, नर्वस सिस्टम में हो या फिर हम लोग के मस्कुलर सिस्टम में हो उसका बहुत जरूरत है, राइट, दे नीड, हम लोग क्या है वहां पे जरूरत होता है राइट, सो इसीलिए हम लोग क्या चाहिए, वी नीड, सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्मूथ हेयर का जो फंक्शन उसमें हम लोग को दिखेगा, दैट इज सबसे पहला चीज इसेंशियल लिपिड्स, राइट, मतलब इसेंशियल फैट्स जो होते हैं, लिपिड्स जो होते हैं वो यहाँ पे सीक्रेट होता है। अभिषेक का काम है कि व्हाट डज लिपिड्स डू, लिपिड्स इज एन वेरी इंपॉर्टेंट, लिपिड्स जो होते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए न्यूट्रिएंट्स है, जहां से हम लोग को एनर्जी मिले, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये तीनों है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और फैट्स, मतलब ठीक है, ये तीनों हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट, सो वो एक इंपॉर्टेंट लिपिड्स है, एसेंशियल लिपिड्स, राइट। देन हम लोग के पास क्वेश्चन आया कि द स्टेरॉइड हॉर्मोन, सो अभिषेक पूछा स्टेरॉइड हॉर्मोन, सो इट्स बेसिकली अ टाइप ऑफ हॉर्मोन जो हम लोग के हम लोग को क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास एनर्जी का बहुत कम हो जाता, एनर्जी बहुत कम हो जाता है, राइट, तो फिर डॉक्टर्स क्या होते हैं, सो दे कैन बेसिकली दे गिव स्टेरॉइड हॉर्मोन्स एंड एक्सेट्रा, राइट, सो इसके लिए वो काम में आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली हमें क्या है कि जो भी हम लोग के पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस हम लोग के बॉडी में जाते हैं, फूड में ही हम लोग के पास कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस है, राइट, सो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको प्यूरिफाई करता है, सो दैट इट विल नॉट बी हार्मफुल फॉर अवर बॉडी, राइट, उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन, उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, या फिर हम लोग उसको सिंपली बोल सकते हैं कि वो प्यूरिफाई कर रहा है, राइट, कि ताकि हम लोग के बॉडी में उसका कोई असर ना हो, उस पर्टिकुलर पॉइजनस सब्सटेंसेस का हम लोग के बॉडी में कोई असर ना हो, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, डन, ओके। अभिषेक मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मैंने ये चीज पहले भी बताया है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मैंने पहले भी बताया है, पहले क्लासेस में भी हम लोग डिस्कस किए थे। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि व्हेनेवर एनी प्रोटीन्स, ठीक है, कोई भी प्रोटीन अगर हम लोग के मेम्ब्रेन को चाहिए, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चाहिए, एंड देन देयर वो कहां से मिलता है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही वो उसको मिलेगा, राइट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही वो उसको मिलेगा। नाउ व्हेनेवर दे विल गेट दिस, वो उसको जब मिल जाएगा एंड मेम्ब्रेन में, तो वहां पे जो सपोज हम लोग के पास, लेट्स से हम लोग एकदम सिंपली एक चीज देखते हैं कि हम लोग के पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सपोज दिस इज अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये कुछ किसी कारण से दिस पार्ट गेट्स डैमेज, ये पार्ट कुछ किसी कारण से ये पार्ट जो है वो डैमेज हो गया, एंड इसको अभी प्रोटीन चाहिए ताकि ये क्या कर सके, इसको रिपेयर कर सके, एंड दिस प्रोटीन दे गेट इट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल दिस मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब है मेम्ब्रेन का फिर से वो मेम्ब्रेन जो है वो रिपेयर, इट गेट्स रिपेयर, बायोजेनेसिस फिर से वो जेनरेट होना, राइट, दिस इज व्हाट बायोजेनेसिस। सो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी अभिषेक क्या हो रहा है कि वो जो हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट हेल्प्स इवन इन द फॉर्मेशन के टाइम में भी प्रोटीन जो चाहिए होता है, दे समटाइम्स दे दिस, ये जो हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स, एंड दिस इज व्हाट द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक। सो ये हम लोग के स्मूथ हेयर का फंक्शन, दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्मूथ हेयर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, आप लोग इसको लिख लेंगे एक एक करके सब लोग, कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है स्मूथ हेयर का, दैट इज लिपिड्स का फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, जैसे राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, वैसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ लिपिड इज द एसेंशियल फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन जो है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द लिपिड, ठीक है, लिपिड्स का फॉर्मेशन। देन हम लोग के पास आता है कुछ हॉर्मोन्स
इवन दे सीक्रेट दे ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स, कुछ कुछ हॉर्मोन्स भी जो है वो यहाँ पे बनता है, राइट? सो लाइकवाइज वी हैव द स्टेरॉयड हॉर्मोन. देन SCR इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर, यहाँ पे किसके लिए एसेंशियल होता है? दे आर फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस. जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस होता है उसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वो जरूरत होता है. देन ऑल्सो हम लोग अगर देखेंगे, देन वी हैव स्मूथ हेयर, दे ऑल्सो स्टोर कैल्सियम आयन्स, ठीक है? कैल्सियम को भी वो स्टोर करके रखता है, विच इज एसेंशियल फॉर, जो किसके लिए जरूरत होता है, विच इज एसेंशियल फॉर नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम हम लोग आगे जाके क्लास 11 में पढ़ेंगे कि हाउ कैल्सियम हेल्प्स, ठीक है? कैल्सियम किस तरह से मदद कर रहा है, फ्रॉम फॉर ट्रांसफरिंग मैसेजेस इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरोन टू अनदर न्यूरोन, ठीक है? ये सभी हम लोग क्लास 11 में इन डिटेल देखेंगे, ठीक है? चलो इसको नोट डाउन कर लो, यू हैव 2 मिनट्स ऑफ टाइम फॉर दिस. जिसका हो जाएगा यू कैन गिव मी अ थम्स अप. हो गया बोल के मुझे एक थम्स अप दे दीजिएगा आप लोग. ओके आदित्य, यस. हाँ अभिषेक आनंद बोलते हैं कि सर व्हाट इज न्यूरॉन. न्यूरॉन्स आर द बेस, न्यूरॉन्स आर बेसिकली कौन से सेल्स होते हैं? जो हम लोग के नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ सेल्स होते हैं उसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं. मतलब हम लोग के ब्रेन में जो है वो किससे भरा हुआ है? न्यूरॉन से भरा हुआ है, ठीक? चलिए आई थिंक हो गया सबका. डांसर अभिजीत ने डांसर बोल दिया मुझे. ओके ऑलराइट, सो आई थिंक इट इज डन. ऑलराइट नाउ अभी हम लोग मूव करेंगे, विल मूव टुवर्ड्स द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है देखो, मेन जो इसका फंक्शन है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्यों इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं? बिकॉज इसके साथ जुड़ा हुआ है राइबोसोम्स, ठीक है? क्योंकि उसके साथ राइबोसोम जुड़े हुए हैं. सो इसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है. हिमांशु आपने हैंड रेज किया था, बोलिए. गलती हो गया. ओके एनीवेज चलिए. सो यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम जुड़े हुए थे. यस अभिषेक आनंद बिल्कुल सही है, यहाँ पे राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं. सो इसका दैट मींस राइबोसोम्स, हम लोग क्या बोलते हैं राइबोसोम्स को? राइबोसोम्स का दूसरा नाम क्या है, जो निकनेम होता है राइबोसोम का, वो है प्रोटीन फैक्ट्री, है ना? इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है, राइट? सो निकनेम हम लोगों ने दे दिया भाई इसका प्रोटीन फैक्ट्री, दैट मींस इसमें प्रोटीन बनता है यहाँ पे. सो इसका जो मेन फंक्शन होगा दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस. हम लोग के बॉडी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है वो कौन बना रहा है? इट इज डन बाय, इट इज सिंथेसाइज बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? सो नाउ इसका मतलब ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस. दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस, उसका जो मेन फंक्शन है दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? अभिजीत ने मुझे एक चीज पूछा है कि सर जो नेम है स्मूथ और रफ एंड रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नाम है वो उसके टेक्सचर पर बेस है या फिर उसके बेसिक फंक्शन पे? अगर बेसिक अगर वो किसके ऊपर बेस है? टेक्सचर के ऊपर बेस है अभिजीत, ठीक है? क्योंकि वो रफ होता है बिकॉज इसके सरफेस पे क्या है, राइबोसोम्स है. सपोज आप एक बेंच पे बैठे हुए हो, आप जो आप जहां पे अभी बैठ के क्लासेस ले रहे हो वहां पे बहुत सारे सैंड पड़ा हुआ है या फिर छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं पेबल्स जिसको बोलते हैं वो वहां पे पड़ा हुआ है, तो आपका जो बैठने का जो सरफेस होगा वो रफ होगा कि स्मूथ होगा? ऑब्वियसली रफ होगा, ठीक है? नहीं है दैट मीन्स स्मूथ होगा. सो इसके टेक्सचर पे दिए गए है नाम, राइट? राइबोसोम्स प्रेजेंट है दैट मीन्स रफ, राइबोसोम्स एब्सेंट है दैट मीन्स स्मूथ. राइबोसोम्स प्रेजेंट है कि उसका सरफेस रफ हो गया, राइबोसोम्स एब्सेंट है उसका सरफेस जो है स्मूथ हो,
क्लियर अभिजीत? आई थिंक दिस इज क्लियर. यस, ऑलराइट, गुड गुड क्वेश्चन. वैसे थैंक यू. राइट, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जा भी सकते हैं आपके क्वेश्चंस पे कि राइबोसोम्स के जो नाम दिए गए हैं, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो नाम दिए गए हैं, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो किस बेस पे दिया गया है, बेस्ड ऑन व्हाट? सो दिस विल बी बेस्ड ऑन व्हाट? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स. अगर प्रेजेंस है देन राफ, अगर एबसेंट है देन इट इज स्मूथ. हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ के देखते हैं कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे. दिस इज प्रोटीन सिंथेसिस. द नेक्स्ट, द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर सेंड टू द वेरियस प्लेसेस ऑफ द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड. ठीक है, सो हियर हियर और एक काम क्या कर रहे हैं कि जो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स होते हैं या फिर लिपिड जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वो उसको अलग अलग जगह पे भेज भी रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से गॉल्जी एपरेटस जाता है. ठीक है, गॉल्जी एपरेटस किस पे भेज रहे हैं वो हम लोग आगे जब देखेंगे गॉल्जी एपरेटस के बारे में, तब हम लोग को और ज्यादा क्लियरिफिकेशन इस पॉइंट पे होगा. ठीक है, कि किस तरह से वो ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद हो रहा है, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद कर रहा है कौन, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर हम लोग बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है. बिकॉज इट इज द नेटवर्क, वो पूरा का पूरा एक नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है. हम लोगों ने स्टार्टिंग डेफिनेशन में ही देखा था कि इट्स अ नेटवर्क, राइट, जो पूरा का पूरा फैला हुआ है इन द साइटोप्लाज्म. सो इसके लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद मिलता है. प्लस और एक क्या होते हैं, दे हैव वेसिकल्स टू. दे हैव व्हाट? दे हैव, सॉरी, दे हैव वेसिकल्स. वहां पे क्या होते हैं, वेसिकल्स भी होते हैं जो उसको और मदद करता है. जैसे सर्टेन ट्रांसपोर्टेशन वेसिकल जो उसको मदद कर रहा है फ्रॉम ट्रांसफरिंग प्रोटीन्स और अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी हम लोग बोलेंगे तो मेनली यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं टू द गॉल्जी एपरेटस. ठीक है, सो ये चीज हम लोग आगे की क्लासेस में अभी और ध्यान से देखने वाले हैं और डिटेल्स में देखने वाले हैं. राइट, सो यू कैन नोट डाउन दिस मेन फंक्शन. हम लोग को जो मेन फंक्शन लिखना है वो हम लोग को जो याद रखने हैं, मेन फंक्शंस जो होते हैं वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस. अगर डिफरेंस आ जाता है तो फिर हम लोग एक चीज बात कर सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑब्वियसली दिस इज योर होमवर्क. ठीक है, हम लोग होमवर्क में करोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं. डन. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस. डन. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच विल बी प्रेजेंट, अगर हम लोग को ज्यादा नंबर्स में चाहिए सो ऑब्वियसली इट विल बी प्रेजेंट इन अवर मसल सेल्स. मसल सेल्स में ज्यादा प्रेजेंट होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लीवर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे ज्यादा होंगे? लीवर में ज्यादा होंगे. राइट, सो ये सभी हम लोग एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं. ये सभी हम लोग इसमें लिख सकते हैं, डिफरेंसेस में लिख सकते हैं. सो यू नीड टू, दिस इज योर होमवर्क. मुझे याद आया तो अभी से मैं लेकर रख देता हूँ. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप लोग होमवर्क में लिखोगे. देयर आर सर्टेन कॉमन फंक्शंस एज वेल. इसको लिख लो फटाक से, दो मिनट. यू हैव, दो मिनट नहीं चाहिए इसके लिए, एक मिनट. और लिखने के बाद यू कैन गिव मी अ थम्स अप. हैंड रेस नहीं करना, यू कैन गिव मी अ थम्स अप. ठीक है, इन योर चैट बॉक्स वहां पे जाके आपके पास जब आप इसमें लिखोगे, टाइप करोगे तो आपके पास वो जो इमोजी होता है, यू कैन थम्स अप वाला इमोजी, वो आप दे दोगे, शॉर्ट एंड स्वीट. चलिए, हो गया है आई थिंक. यस अभिषेक, वेरी गुड. ओके हेमंत, यस डन. अभिषेक हो गया, हेमंत हो गया, और गुलशन का भी आई थिंक, मैं क्या नाम है, गौतम.
मेरे पास एक ब्लैंक भी है, सो आप अपने आप को रीनेम कर लीजिए ताकि मुझे पता चले कौन कौन है, अटेंडेंस लगाने में मुझे मदद मिले. प्लीज रीनेम दिस. एक ब्लैंक है, ब्लैंक कुछ कॉमा देके ज्वाइन किए हुए सब इसको. हाँ हाँ जी, अभी आपने हैंड रेस किया है, सो यू नीड टू अपने आप को रीनेम कर लीजिए प्लीज, नहीं तो आपका एब्सेंट लग जाएगा और आपके घर में ऐसे ही कॉल चला जाएगा, है ना. हाँ जी, अभिषेक, आना, आदित्य, हिमांशु. ओके, सो आप हिमांशु. ऑलराइट, चलिए, सो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे, अभी जो मैं आता हूँ उस पे, ठीक है. आगे कॉमन फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आता हूँ वहां पे. सो कॉमन फंक्शन में हम लोग के पास और एक क्या चीज है, दैट इज इन कॉमन फंक्शन में अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है, दैट इज कि ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स है, ठीक है, जो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो सिंथेसाइज हो रहा है कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, राइट, हेल्प्स इन द बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के बिल्डिंग में भी मदद करे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. दैट्स व्हाट वी कॉल दिस मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. सो इट हेल्प्स इन द बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एज वेल, राइट. सेल मेम्ब्रेन को बिल्डिंग करने में वो मदद कर रहा है, धीरे धीरे करके बिल्डअप करने में मदद कर रहा है. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल दिस मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. इसी को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं. इट हेल्प्स टू बिल्ड अप सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को बिल्डअप करने में मदद करे. एंड दैट्स व्हाट वी कॉल दिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोल रहे हैं, राइट. उसके बाद अगर जो कॉमन फंक्शन हम लोग देखेंगे, सो दिस इज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में मदद कर रहा है यहाँ पे, जो कि दोनों मिलकर बना रहा है, राइट. उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चीज जो हम लोग देखेंगे, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन. कुछ कुछ ऐसे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स भी होते हैं जो एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स की तरह काम कर रहा है, राइट. जो एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स की तरह काम कर रहे हैं. सो सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दे फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स. कुछ कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो होते हैं वो एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की तरह भी काम कर रहे हैं, कुछ कुछ मॉडिफाई होकर एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स की तरह काम कर रहे हैं, राइट. सो ये सभी जो चीजें हैं ये कहाँ पे बन रहा है, दिस इज अगेन इट इज टेकिंग प्लेस कहाँ पे बन रहा है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन रहे हैं, ठीक है. ER also functions as cytoplasmic framework, providing a surface for biochemical activities in the cell. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क. मैंने अभी हम लोगों ने बताया था कि ER के बारे में, जब हम लोग पहला जो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था कि ये जो है ER जो है वो क्या बन रहा है, दिस इज ER में क्या बन रहा है, ER इज बेसिकली ए नेटवर्क. ये नेटवर्क जो पूरा का पूरा जो है कहाँ पे फैला हुआ है, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, राइट. पूरा साइटोप्लाज्म में जो फैला हुआ है, सो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है कि पूरा जो एक नेटवर्क है वो, इसका मतलब ये होता है कि ये जो पूरा नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा बायोकेमिकल एक्टिविटीज को मदद कर रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है, वो भी एक बायोकेमिकल एक्टिविटी है, राइट. सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स है, वो भी एक बायोकेमिकल एक्टिविटी है. प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, वो भी एक बायोकेमिकल एक्टिविटीज है. सो जो कि ये एक पूरा नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, सो ऑब्वियसली दिस हेल्प्स इन लॉट्स ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज. बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज को वो हेल्प कर रहा है. एंड इसके लिए डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, क्लास कहाँ पे पढ़ेंगे, इन क्लास 11 में हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में देखना भी है कि ये सब और कौन से तरीके होते हैं, किस तरह से ये हेल्प कर रहे हैं. सो यहाँ के लिए जो बेसिक जो कॉमन फंक्शन हम लोग के पास होता है, दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. जो बेसिक जो हम लोग के पास होते हैं दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, राइट. जहां पे क्या होता है, इट हेल्प्स इन द बिल्डिंग अप और बिल्डअप. इट हेल्प्स इन द बिल्डअप प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अप द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं, राइट. सो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, उसके बाद मैं अभिजीत के क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है. चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो. A
पूरे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस जितना पॉइंट है उन सब पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये मैं बोलता हूं कि x इक्वल्स बात नहीं कर रहा है, देखो तो रेड लाइन का ना x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, पूरा x एक्सिस को ये मिला के आपका रेड लाइन। देख लो x एक्सिस जो रेड लाइन है, रेड लाइन जो है वो x इक्वल्स 0 का ग्राफ है, ध्यान दीजिए, यानी y इक्वल्स 0 का ग्राफ है, ग्राफ में वो ड्रॉप है, ग्राफ ड्रॉप का इसका मतलब कि हम पूरे पूरे x एक्सिस को कवर कर रहे हैं, इसका मतलब x एक्सिस में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर हमारा लाइन जो है यहां पर हमारा x एक्सिस इंटरसेक्ट ना हो रहा हो, ठीक है। दूसरे केस ठीक है, जीरो का मतलब पॉलीनोमियल हमें ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो है। हो गया, आई थिंक इट इज डन। ऑलराइट, गौतम ने बोला डन सर। The answer, okay. All right. Okay. All right. So I think हो गया सबका। So हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के let us discuss। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। So let us discuss about next जो चीज है, that is हाँ। So next जो history हम लोग यहाँ पे आगे की slide में देखेंगे। हम लोग के पास और in detail है, ठीक है? एक मिनट। चलिए, सो हिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय कौन डिस्कवर कर रहा है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय बेसिकली पॉटर, अल्बर्ट क्लाउडे एंड अर्नेस्ट फुलम, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड, सो दिस इज द हिस्ट्री। ये डिस्कवर किया था किसने, पॉटर, अल्बर्ट क्लाउडे, अर्नेस्ट फुलम डिस्कवर्ड इट, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था किसने, ये तीन साइंटिस्ट नेम थे जिसका नाम था पॉटर, एक साइंटिस्ट का नाम था पॉटर, उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था दैट इज अल्बर्ट क्लाउडे एंड उसके बाद सब अर्नेस्ट फुलम, ये तीनों ने डिस्कवर किया था इंडिया ईयर 1945 में, ठीक है। सो हम लोग को ये भी याद रखना होगा बेस्ड ऑन किसके कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, ओलंपियड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे तो दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओलंपियड्स के लिए हम लोग अगर देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का नाम जो हम लोग को पॉटर नाम है, सो ये भी हम लोग को याद रखने होंगे बहुत ही हिस्ट्री के लिए, क्या बोलते हैं ओलंपियड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम लोग, हाँ हम लोग अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सिर्फ वो स्कूल के किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब हम लोग को ये याद नहीं रखने से भी होगा क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है। बट ओलंपियड्स और अगले साल के अगर हम लोग एनटीएससी को टारगेट करेंगे देन वी नीड टू रिमेम्बर दिस, हम लोग को ये चीज याद रखने होंगे। सो इट वॉज इन 1945 पॉटर, क्लाउडे और फुलम बोल के तीनों साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर किए थे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर किए थे, राइट, ठीक है। कृष्णा अभिषेक, अब अनम्यूट करके पूछे कि हुआ क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें सर, पिछला स्लाइड का जो फंक्शन नहीं था, थर्ड पढ़िए एक बार, फंक्शन को पढ़िए क्या था। The ER also function as a cytoplasmic framework providing a surface for the same of the biochemical activities. Biochemical activities. कौन सा biochemical activity होता है? पता है तो जैसे for example biochemical activity, protein का synthesis भी एक biochemical activity है, lipid का synthesis भी एक biochemical activity है, उसके बाद बहुत सारे जो उसमें enzymes बन रहे, बहुत सारे hormones बन रहे, वो सब भी biochemical activity है। So these are all biochemical activities. बात समझ में आया? Transport करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट्स आल्सो बायोकेमिकल एक्टिविटी, राइट। सो ये सभी चीजें वहां पे होता है, क्यों होता है, बिकॉज दिस इज अ नेटवर्क और एक पूरा फैला हुआ है साइटोप्लाज्म में, राइट। सो इसीलिए एक नेटवर्क है, इसके वजह से उसको ये सब करने में आसानी होता है। समझ में आ गया बात? यस, ठीक, ऑलराइट। चलिए, सो ये था हिस्ट्री, दिस इज 1945 इन द ईयर, दिस इज पॉटर एंड क्लाउडे, ठीक है। इन लोगों ने इसको क्या किया था, इट वाज डिस्कवर्ड, ठीक है, दे डिस्कवर्ड दिस इन 1945। क्लियर सबको? डन, यस सर,
ऑलराइट चलिए सो अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग जो है पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे घर में, वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, आप लोगों से पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सो सबको क्या करना है, यू नीड टू रीड द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पढ़ना है यहाँ से स्लाइड से, एंड यू नीड टू आंसर ए बी सी डी ऑप्शन में जो होगा, या फिर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में जो होगा आप लोग को चैट बॉक्स में आके लिख देना है। ए अगर आंसर ए है तो ए लिखना है, बी है तो बी लिखना है, 1 है तो 1 लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है। ठीक है, सो आप लोग को बस लिख देना है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। चलिए सो आप लोग का सबका क्वेश्चंस लगभग आ गया है, मेरे पास आया है अभी, आदित्य का आया है, कृष्णा का आया है, आदित्य का आया है, अभिषेक का आया है, गौतम, हेमंत, हिमांशु, अभिजीत। ठीक है, सो विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, सो कौन सा एब्सेंट होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, सो इट इज यस, सो दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो आदित्य ने मुझे बोला वैक्यूल्स भी नहीं, वैक्यूल्स भी यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे सेंट्रलाइज वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होते एनिमल सेल में। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, सो वहां पे सेंट्रलाइज इन केस ऑफ प्लांट सेल वहां पे सेंट्रलाइज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज वैक्यूल प्रेजेंट होते। ठीक ठीक है आदित्य, आई थिंक दिस क्लियर। हाँ, सो नेक्स्ट आगे बैठे हैं, which of the following statement is true about cell theory? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, बाद में मत बोलिए कि मुझे जल्दी जल्दी आंसर देना था इसलिए मैंने ऐसा किया। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। कृष्णा, अभिषेक, अभिजीत, आदित्य, हेमंत, अभिषेक, गौतम, हिमांशु, वेरी गुड वेरी गुड। सो वायरसेस आर दी एक्सेप्शन, सो आपने ये चीज पढ़ा है मतलब, वेरी गुड। चलिए सबका सही है, अभिजीत ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड इन फ्लोटिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कृष्णा, हिमांशु, आदित्य, अभिषेक, हेमंत ओके, ऑलराइट। चलिए आगे, तो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज, इसका आंसर क्या है, साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, Which of the following cell organelles regulates the entry and exit of molecules to and from the cell? कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है क्या करता है एंट्री एंड एग्जिट को रेगुलेट करता है फ्रॉम टू एंड फ्रॉम द सेल। ओके आदित्य, कृष्णा, ऑलराइट, यस, अभिषेक, ओके और भी, हेमंत ओके, गौतम जल्दी से दो आंसर। गौतम ओके, ऑलराइट, सो यहाँ का आंसर आप लोगों के पास क्या है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, वेरी गुड, आप लोगों को अभी याद है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। नीचे दिए गए कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, कृष्णा, अभिषेक ओके,
Himansu okay, Abhishek Anand okay, Gautam okay, Hemant okay, Aditya okay, Abhijit okay. चलिए देख लेते हैं किस किस का सही है. अभिजीत का गलत है, आदित्य सही है, हेमंत गलत है, गौतम गलत है, अभिषेक का सही है, हिमांशु का गलत है, कृष्णा का भी गलत है. सोचिए क्या गलती है आपने. प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा एब्सेंट होता है. कृष्णा अभिषेक ओके गुड. न्यूक्लियस लाइसोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है तो सभी वहां पे एब्सेंट होंगे. तो आंसर क्या होगा. आंसर क्या होगा. ऑल द अबोव सभी एब्सेंट होते हैं. जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है सब वहां पे एब्सेंट होते हैं. ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है न्यूक्लियस हम लोगों ने देखा. लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मेम्ब्रेन बाउंड है. तो सब एब्सेंट होंगे. दैट मींस ऑल ऑफ द अबोव. ठीक है चलिए आगे देखते. सर सर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहता है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता है. नहीं भाई क्यों कैसे. वहां पे हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ा था उसमें कि भाई कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वहां पे नहीं होगा सेल ऑर्गेनेल्स. ओके सर ठीक. तो इसीलिए वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते नहीं है. तो ये सभी एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सर. हां प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता है ना. क्या वो अनडेवलप्ड होता है भाई. न्यूक्लियस पूरा रामायण पढ़ लिया. अभी तुम पूछे हो राम कौन है. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड होता है. न्यूक्लियस नहीं वो न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड मतलब वहां पे क्या होता है. वो एक एरिया होता है जहां पे उसके जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं. उस एरिया को बोलते हैं न्यूक्लियोइड. सो दे डोंट हैव न्यूक्लियस. ठीक ओके ओके ओके. अच्छा क्वेश्चन लिखते किसी किसने आंसर दे दिया मुझे पता ही नहीं चला किसका किसका आंसर है. ओके चलो ठीक है. हेमंत का आंसर है, कृष्णा का आंसर है, गौतम का आंसर है, अभिषेक का आंसर आ गया, अभिजीत कुमार का आंसर आया जो गलत है. आदित्य का आ गया, हिमांशु का आ गया. चलिए हाँ जी अभिजीत अभी सही है. स्मूथ. देखो अभिजीत यहाँ पे आपको फिर से ध्यान देने की जरूरत है. क्वेश्चन में नीचे देखो, क्वेश्चन में नीचे देखो, ऑप्शन डी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है. दैट मींस वी विल गो फॉर द ऑप्शन डी नॉट सी. ठीक. सो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. मैं मान रहा हूं कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द करेक्ट आंसर. राइट. मैं मान रहा हूं गलत नहीं है. बट वो कब होता है. जब ये ऑप्शन डी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होकर दूसरा कोई ऑर्गेनल होता है. अगर यहाँ पे क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सपोज न्यूक्लियस होता है या फिर दूसरे कोई गॉल्जी बॉडी होता है तब हम लोग आंसर क्या देते हैं, सी देते हैं. बट यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि ऑप्शन डी. बात समझ में आ गया. सो वी विल गो फॉर दैट. सो इसलिए हम लोग को चारों ऑप्शन देखने भी जरूरी है. ये आप लोग के लिए सीख है. ठीक है चलिए आगे देखते हैं. ठीक आगे वाला. और न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय. न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था. ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से. यू नीड टू राइट ओनली ए बी सी जो भी है. कृष्णा अभिषेक, हिमांशु, आदित्य, हेमंत. आगे बढ़िए और दीजिए आंसर. अभिजीत, गौतम कहाँ हो. यस ओके चलिए. सो यस सब लोग सही हो. सो इट इज रॉबर्ट ब्राउन. यस ऑप्शन सी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इन कंटिन्यूअस कनेक्शन विथ व्हाट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इन कंटिन्यूअस कनेक्शन विथ व्हाट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन से ऑर्गेनेल के साथ, नीचे दिए गए कौन से ऑर्गेनेल के साथ कंटिन्यूअस कनेक्शन में होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन से नीचे दिए गए ऑर्गेनेल के साथ कंटिन्यूअस कनेक्शन में होता है.
आदित्य, कृष्णा, हिमांशु, गलत है, अभिषेक, ओके, हेमंत, ओके, हिमांशु, यस, नाउ इट इज करेक्ट, ओके, सो कोकीज के साथ होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वो कंटिन्यूअस कनेक्शन में होता है, सो इट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होता है, इज देयर इन कंटिन्यूअस कनेक्शन, वो कंटिन्यूअस कनेक्शन में होता है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, देयर इन कंटिन्यूअस कनेक्शन, कौन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हम लोगों ने इट इज देखा था उसके स्ट्रक्चर. सो नाउ विल बी स्टार्टिंग अबाउट द नेक्स्ट ऑर्गेनेल, दैट इज नेक्स्ट ऑर्गेनेल, दैट इज द गोल्जी एपरेटस, द गोल्जी एपरेटस. ठीक, गोल्जी एपरेटस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय समवन कॉल्ड एज कैमिलो गोल्जी, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय समवन कॉल्ड एज कैमिलो गोल्जी. कैमिलो गोल्जी बोल के एक इंसान ने, एक साइंटिस्ट ने, एक महान व्यक्ति ने इसको सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था, सबसे पहली बार इसको देखा था, he observed it. और उन्होंने देखा था कौन से ईयर में, 1898 में. अभी हम लोग धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि ये जो है बहुत क्लोज है हम लोगों से. जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों ने देखा कि वो 1945 में था, बहुत क्लोज है हम लोग से, ज्यादा साल नहीं हुए अभी उसके डिस्कवर. उसके बाद क्या किया गया, उनके नाम से ही क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया, दैट इज गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज उसका नाम रखा गया. ठीक, बिकॉज गोल्जी ने डिस्कवर किए थे इन 1906, कब, 1906 में उनको इसके वजह से नोबेल प्राइज भी दिया गया, उनको नोबेल प्राइज दिया गया इन 1906 में. ठीक है, इन 1906 ही रिसीव नोबेल प्राइज बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, इसके वजह से उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला. ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडीज. दे कंसिस्ट ऑफ, हम लोग उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे यहाँ पे, मेनली दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट, मेनली यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोल्जी एपरेटस के, गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है. So, discovery के बाद, it was in 1898, जब कैमिलो गोल्जी बोल के एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले बार इसको डिस्कवर किया था, सबसे पहले बार इसको स्टडी किया था. तो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे कि गोल्जी डे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सिस्टर्न सेक्स, या फिर सिस्टर्न उसके साथ बना हुआ है. क्या ये कौन बने हुए हैं, गोल्जी एपरेटस. सो ये सभी जो हम लोग देख रहे हैं, मेनी डिस्क लाइक, ये सभी जो है डीजर सिस्टर्न, यू कैन सी हियर, ये सभी क्या है, डीजर सिस्टर्न. ठीक है, ये सिस्टर्न है, डीजर सिस्टर्न है. ठीक, सो डीजर सिस्टर्न है, ये जो सिस्टर्न के अंदर हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द ल्यूमेन. ठीक है, दिस इज द ल्यूमेन, मतलब सिस्टर्न के अंदर प्रेजेंट होने वाले ल्यूमेन, द लिक्विड टॉवर्ड अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस. ल्यूमेन का मतलब क्या है, इट मे बी हम लोग बोल सकते हैं, इट मे बी हम लोग मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या फिर दिस इज अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, सिस्टर्न के अंदर प्रेजेंट होता है. राइट, यहां तक हम लोग को क्लियर है. सो दिस आर मेड अप ऑफ मेनी फ्लैट, सो यू कैन सी हियर, मेनी फ्लैट डिस्क शेप, सो दिस इज डिस्क शेप, डिस्क की तरह होता है, डिस्क शेप सिस्टर्न, सिस्टर्न से बने हुए होते हैं, ये सिस्टर्न से बने हुए होते हैं. दिस इज दे, दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, सो एक दूसरे के पैरेलल में वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और उसके बीच में गैप भी होता है. सो यू कैन सी हियर, एक गैप यहाँ पे इसके बीच में प्रेजेंट है, एक इसके बीच में भी गैप प्रेजेंट है, इसके बीच में भी एक गैप प्रेजेंट है. सो दे आर इन प्रेजेंट इन ए पैरेलल लाइन, सो वो लोग एक लाइन के फॉर्म में इस तरह से क्या होते हैं, वो लोग प्रेजेंट होते हैं, यू कैन सी हियर, वो लोग इस तरह से इन पैरेलल फॉर्म में वो लोग क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, राइट, इन पैरेलली दे आर प्रेजेंट, राइट. सो These are present parallel to each other. वो each एक दूसरे से parallel में वो present होते हैं. This membrane are often have connections with membranes of ear. समझ में आ रहा है अभी हम लोग को बात, कि ये जो होता है वो endoplasmic reticulum के membrane के साथ
दे मे हैव इन कनेक्शंस, वो कनेक्शंस में कनेक्शंस हो सकते हैं. दिस मेम्ब्रेन्स ऑफ़न हैव कनेक्शंस विद मेम्ब्रेन्स ऑफ़ ईयर. ठीक है, ये जो होते हैं, मतलब ये कौन से मेम्ब्रेन्स के बारे में बात हो रहा है, दे कंसिस्ट अबाउट दिस सिस्टर्न, ये जो सिस्टर्न के बारे में हम लोग का बात हो रहा है. दे हैव, दे ऑफ़न दे आर कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हम लोग अभी ध्यान से सुनेंगे बात को कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, अटैच है, इन कनेक्शन है. सेम उसी तरह से गॉल्जी बॉडीज जो है दे मे बी और दे आर इन कनेक्शन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वो ऑफेन दे आर कनेक्टेड, वो कनेक्टेड होते हैं. गॉल्जी अपैरेटस are found in जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं सब में मिलता है, एक्सेप्ट फॉर आरबीसीज. आरबीसीज के पास गॉल्जी अपैरेटस, जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं उसके पास गॉल्जी अपैरेटस नहीं होते. रेड ब्लड सेल्स के पास गॉल्जी अपैरेटस नहीं होते. इन प्लांट सेल्स गॉल्जी अपैरेटस को हम लोग बोलते हैं डिक्टियोसोम्स, भी कॉमनली बोला जाता है. गॉल्जी अपैरेटस को क्या बोला जाता है, इन प्लांट सेल्स दे आर कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स. ठीक है, प्लांट सेल्स में इसको डिक्टियोसोम्स बोलते हैं. ठीक है, सो विल नॉट गेट कंफ्यूज, हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे. हम लोग को अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, ठीक है, कि विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल इज इस तरह से इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सम मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इन प्लांट सेल्स, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो हम लोग अगर देखेंगे कि भाई अच्छा कौन सा है, यहाँ पे तो गॉल्जी बॉडी है ही नहीं, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे. सो इट्स कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स. ठीक है, या फिर हम लोग क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्हाट इज इक्विवेलेंट टू प्लांट सेल्स एंड एनिमल्स, गॉल्जी बॉडीज ऑफ एनिमल सेल इन प्लांट सेल, व्हाट इज इक्विवेलेंट टू गॉल्जी बॉडीज ऑफ एनिमल सेल इन प्लांट सेल, तो फिर हम लोग डिक्टियोसोम लिखेंगे. सो दिस इज सेम, राइट? सो गॉल्जी बॉडीज को प्लांट सेल के अंदर उसको क्या बोला जा रहा है, डिक्टियोसोम्स बोला जाता है, राइट? सो स्ट्रक्चर अगर हम लोग के पास अभी देखेंगे कि दे आर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, दे आर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, फ्लैट डिस्क शेप्स सिस्टर्ने, सिस्टर्ने के साथ बने हुए होते. सो ये डिजायर कॉल्डेस, ये सभी जो हम लोग के पास है डिजायर सिस्टर्ने, ये सभी क्या है, डिजायर सिस्टर्ने. ठीक है, उसके बाद दीज आर दी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, बहुत सारे वेसिकल्स भी होते, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते, दीज आर कॉल्ड एज वेसिकल्स. यू कैन सी हियर, ये सब भी हम लोग के पास क्या है, दीज आर वेसिकल्स, दीज आर वेसिकल्स. ठीक, ये सभी वेसिकल्स होते हैं. ठीक, सो दे आर इन कनेक्शन विथ, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्शन के कनेक्शन में हो सकता है, और प्लांट सेल में इसको हम लोग बोलते हैं डिक्टियोसोम्स, इसको डिक्टियोसोम्स बोलते हैं. एनी डाउट यहां तक? If no, then you can give me a thumbs up in the chat box. Yes, no sir, or thumbs up, कुछ भी आप लिख दीजिए. यहां तक कोई डाउट है? All right, चलिए. All right, very good Aditya. Okay, all right. So, और एक चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे. हाँ जी, अभिजीत बोलो. अच्छा, गलती से ऐड हो गया होगा. क्या है, सीव सेल्स, सीव सेल्स जो सीव ट्यूब में होता है उसको सीव सेल्स, जो हम लोग का सीव ट्यूब होता है वो पढ़ेंगे आगे जाके हम लोग. ठीक है, सीव सेल जो सीव ट्यूब में अंदर होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें प्लांट के जब ट्रांसपोर्टेशन इस सब में हम लोग को पढ़ना है ना, जाइलम फ्लोएम, उसके हम लोग देखेंगे उसको सीव ट्यूब के अंदर. ठीक है, ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग क्लियर करेंगे. ठीक है, एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं फटाक से. एक मिनट, जस्ट एक मिनट. दिख रहा है क्या सबको?
दिख रहा है हम लोग को सबको, राइट? देखो ये 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 कहाँ का चीज है, ये कहाँ से आया हुआ है, ये जो रेड कलर, ये जो हम लोग को पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो कहाँ से आया हुआ है? सर एंडोप्लाज्मिक। यस, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। सो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ पे यहाँ से देखो ये वेसिकल्स है, दिस वेसिकल्स दे आर एंटरिंग इनटू, ये जो वेसिकल्स देखो ये वेसिकल्स बन के, दिस वेसिकल्स आर एंटरिंग इनटू द गॉल्जी अपैरेटस। इस वेसिकल्स के अंदर क्या है, सबके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे मेटेरियल्स होंगे, मेटेरियल्स इन द सेंस बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ इसके अंदर हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन्स के कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ इसके अंदर हो सकते हैं, राइट? सो ये किसके अंदर, गॉल्जी अपैरेटस के अंदर जाता है। सो बेसिकली गॉल्जी अपैरेटस जो होते हैं दे प्रोसेसिंग, वो किस पे मदद कर रहा है, वो प्रोसेसिंग में मदद करता है, राइट? दे हेल्प इन प्रोसेसिंग ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स के प्रोसेसिंग में वो मदद कर रहा है। मतलब क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर तो रॉ मटेरियल बन जाता है, दिस रॉ मटेरियल नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, और ये प्रोसेस्ड कहाँ पे होता है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द गॉल्जी अपैरेटस। सो गॉल्जी अपैरेटस का मेन काम होता है प्रोसेसिंग, मॉडिफिकेशन करना। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं एग्जाम्पल का, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिपिड्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स, हम लोगों ने नाम सुना है ग्लाइकोप्रोटीन्स का, राइट? कहाँ पे जरूरत होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स को, ग्लाइकोप्रोटीन जरूरत होता है कहाँ पे, हम लोग के पास कहाँ पे होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है ग्लाइकोप्रोटीन, हम लोगों ने पढ़ा था, यस? उसके जो सरफेस पे प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास प्रोटीन बन जाता है कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन गया, ठीक है। ये जो अभी ग्लाइकोप्रोटीन बनना है, मतलब उसको मॉडिफाई करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है, उसके साथ ग्लूकोज भी मिक्स कर देना है, राइट? सो दिस विल टेक प्लेस, वो कहां से कहां पे बनेगा, इट विल टेक प्लेस इनसाइड द गॉल्जी अपैरेटस। देखो कैसे होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन कहां कैसे आएगा, ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है दे विल ब्रिंग प्रोटीन्स हियर, वो प्रोटीन्स आएगा यहाँ पे दे विल ट्रांसफर होल दिस, इस तरह से इट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टर ने टू अनदर सिस्टर ने, फिर उससे दूसरा, फिर उससे तीसरा, एंड दे विल नाउ यहाँ पे क्या होगा, यू कैन सी हियर वो क्या होगा, सो दे विल बिकम, यहाँ पे जब वो कंप्लीट हो जाएगा वो टास्क जब कंप्लीट हो जाएगा, देन दे विल गेट इन टू दिस, ये कहाँ पे, दिस विल गेट इन टू दिस वेसिकल अगेन। अगर सेल के बाहर जरूरत है उस पार्टिकुलर, जो भी हम लोग के पास पार्टिकुलर जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है, सपोज ग्लाइकोप्रोटीन सेल के बाहर जरूरत है, उस सेल में नहीं दूसरे सेल में जरूरत है, देन दिस विल वो क्या हो गया, इट विल फ्यूज विद द साइटोप्लाज्म, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो वेसिकल है इट गेट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन इट विल रिलीज दिस सब्सटेंस, ये जो है इसको रिलीज कर देगा, राइट? सेल के बाहर वो रिलीज करेगा, या फिर अगर वो ग्लाइकोप्रोटीन का जरूरत प्लाज्मा मेम्ब्रेन को है, यू कैन सी हियर, इट विल रिलीज दिस एंड इट विल गेट अटैच विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा जब वो वहां पे उसका जरूरत है। बात समझ में आ रहा है? सो यहाँ से रॉ मेटेरियल जो है, द रॉ मेटेरियल विल कम फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी रॉ मेटेरियल है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा, एंड देन इट विल गेट मॉडिफाइड हियर, वो मॉडिफाइड होके एंड देन इट विल गेट ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के दूसरे पार्ट्स में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सेल के बाहर भी अगर उसको जरूरत है, देन इट विल गेट ट्रांसपोर्टेड हियर, राइट? सो द रॉ मेटेरियल, द गॉल्जी अपैरेटस विल गेट द रॉ मेटेरियल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको रॉ मेटेरियल मिलेगा, दैट रॉ मेटेरियल विल बी कैरीड विद द हेल्प ऑफ अ वेसिकल, रॉ मेटेरियल जो है वो वेसिकल के, वेसिकल में कहां किसके पास आएगा, रॉ मेटेरियल विल कम इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स टू द गॉल्जी अपैरेटस, गॉल्जी अपैरेटस में उसका मॉडिफिकेशन होगा, उसका प्रोसेसिंग होगा, नाउ इट विल गेट अ फाइनल शेप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग के पास बना प्रोटीन एमिनो एसिड्स यहाँ पे बना, ठीक है, और ये एमिनो एसिड्स का भी अभी क्या होंगे, इसका मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन होने के बाद भी इट विल फॉर्म ए प्रॉपर, इट विल फॉर्म ए प्रोटीन जो हम लोग के बॉडी के किसी पार्ट में जरूरत होगा, सो दिस विल गेट ट्रांसपोर्टेड, वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। सो गॉल्जी अपैरेटस का मेन काम जो होता है, दैट इज मॉडिफिकेशन
स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन. उसका मेन काम क्या होता है, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन किसी भी रॉ मटेरियल का. जो रॉ मटेरियल विल गेट फ्रॉम, जो भी रॉ मटेरियल इसको मिलेगा, वो रॉ मटेरियल क्या होंगे, वो रॉ मटेरियल से वो मॉडिफाई करेगा. सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया अभी, राइट, मेरे पास अभी क्वेश्चन आया, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास किसका क्वेश्चन है, वो है अभिजीत का क्वेश्चन है. अभिजीत ने पूछा सर रॉ मटेरियल किस फॉर्म में होगा. सो रॉ मटेरियल देखो, रॉ मटेरियल में भी इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं. लेट्स से वो एमिनो एसिड्स के फॉर्म में है, और बहुत सारे एमिनो एसिड्स को जोड़ के हम लोग को प्रोटीन बनाना है, और फाइनल शेप जो है हम लोग को कौन दे रहा है, सपोज गोल्जी बॉडीज दे रहा है, तो इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे. दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज, वो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है. हम लोग को प्रोटीन हम लोग को मिला है, हम लोग को उसको ग्लाइको प्रोटीन बनाना है. सो दिस ग्लाइको प्रोटीन विल बी फॉर्म इन साइड द गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज में बनेगा. लिपिड सिंथेसिस हो गया है. लिपिड्स कहाँ पे सिंथेसिस हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स का सिंथेसिस हुआ. दिस लिपिड्स विल गेट मॉडिफाइड इनटू ग्लाइकोलिपिड्स, वो ग्लाइकोलिपिड्स में उसको मॉडिफाई करना है. सो दिस विल गेट मॉडिफाइड इन द व्हाट, मॉडिफाइड इन द गोल्जी एपरेटस. सो उसी को मैं रॉ मटेरियल बोल रहा हूँ अभिजीत, ठीक है. सो व्हाट एवर इट विल गेट मॉडिफाइड, उसको ही मैं क्या बोल रहा हूँ, रॉ मटेरियल बोल रहा हूँ, ठीक. सो ये जो रॉ मटेरियल होता है, दिस विल कम फ्रॉम, सपोज वो आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, आने के बाद इट गेट्स मॉडिफाइड इन द गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस में उसका मॉडिफिकेशन हुआ, एंड मॉडिफिकेशन होने के बाद वो क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, क्या दूसरे पार्ट्स में उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ. उसी को उसी वही फंक्शन होता है किसका, गोल्जी एपरेटस का, ठीक है. सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग अबाउट the functions, ठीक है, of Golgi apparatus. So अभी के क्लास खत्म होने से पहले write down this, इसको लिख लो. These points are very, very, very essential. मैं लिखने के लिए इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ, ताकि आप लोग जब लिखते रहेंगे, then this will become very clear, ठीक है. नहीं लिख के बोलने से क्या होता है कि हम लोग को एक ये हो जाता है, laziness आ जाता है. So I don't want कि आप लोग को वो laziness आए, so आप लोग इसलिए लिख के रखें. मुझे पता है आप लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हैं इसका, ठीक है. मैं नोट्स तो शेयर कर ही देता हूँ, वहां से भी ले सकते हैं, बट स्टिल नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लीजिए. आपके कॉपी में रहने से, आप एक बार लिख लेने से आपको ज्यादा याद होता है. 1906 में नोबेल प्राइज किसको मिला था, कैमिलो गोल्जी को मिला था, ठीक. चलिए इसको फटाक से लिख लीजिए, 2 मिनट लगेगा. पॉइंट वाइज लिख के रखिएगा, ताकि आप लोग को सपोज क्वेश्चन आए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूकेरियोटिक सेल डू नॉट हैव गोल्जी एपरेटस, आप लोग आंसर क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं. आरबीसी मैं श्योर हूं कि आपके कहां पे नहीं आएगा, यू विल नॉट गेट दिस क्वेश्चन इन योर बुक, क्लास के उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा. पर हम लोग जब ओलंपियाड्स में अपीयर करेंगे, हम लोग जब क्या बोलते हैं एनटीएससी अगले साल अपीयर करेंगे, तब तो हम लोग को चाहिए, और हम लोग पढ़ ही रहे उसी मकसद से, ठीक है. सिर्फ स्कूल का करने के लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए, ताकि हम लोग अच्छे से ओलंपियाड्स कर सके, ताकि हम लोग अच्छे से एनटीएससी के एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सके अगले साल, ठीक है. उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करें, राइट. तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा जानना जरूरी है. एंड ऑल्सो दिस इज द बेस ऑफ क्लास 11, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द बेस ऑफ नीट. अगले 11, 12 में जब हम लोग नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे, राइट, सो दिस इज द बेस. सेल हम लोग को वहां पे भी पढ़ना है, राइट. सो दिस इज द बेस, दिस वी नीड टू नो, राइट. लिखने के बाद एक थम्स अप दे दीजिएगा, सो दैट आई कैन continue and I can क्या बोलते हैं हम लोग इसको खत्म करेंगे उसके बाद. Okay, Krishna Abhishek का thumbs up आ गया है. नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल ही हम लोग का नेक्स्ट क्लास है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दो चीजें पढ़ेंगे. एक तो पढ़ेंगे अबाउट विल बी डिस्कसिंग अबाउट फंक्शंस. उसके बाद हम लोग और एक चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, द सी स्पेस. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चीज कि द सी स्पेस यू आर गेटिंग, देखो यहाँ पे, ठीक है, यू आर गेटिंग सी स्पेस और
हाँ जी ठीक है, ट्रांसफेज़ ये भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे. सो टुमारो फॉर द फर्स्ट थिंग हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज सीज फेज एंड ट्रांसफेज, एंड देन वी विल गो फॉर द फंक्शंस ऑफ द गॉल्जी अपैरेटस. बेसिकली हम लोगों को समझ में आ ही गया है कि गॉल्जी अपैरेटस का फंक्शन क्या है. बेसिक जो फंक्शन होता है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ द रॉ मेटेरियल. जो भी रॉ मेटेरियल उसको मिलेगा उसका मॉडिफिकेशन होना ही इसका काम होता है. राइट ठीक है चलो. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कल हम मिलते हैं. आप लोग इसका टेक्स्ट बुक से जरूर पढ़िएगा इसको, ठीक है. नहीं पढ़ेंगे तो वो आपके पास क्या होंगे, वो एक्युमुलेट हो के बहुत ज्यादा हो जाएगा और कल तक आप भूल जाओगे. जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया यू गो थ्रू द एनसीईआरटी. आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा ढंग से, ठीक है, एंड इट विल बी बिकम मोर क्लियर. ठीक है, आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके सर, बाय सर. बाय सर. बाय सर. बाय बाय. थैंक यू.